हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 25। और 25 लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास सेक्शन नंबर 35। 35 सेक्शन डील करता है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट आप कीमत नहीं समझेंगे, कॉस्ट मीन्स खर्चा। खर्चा खर्चा अब क्या है? अब खर्चे का प्रोविजंस क्या कहता है? फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी सूट फायर हुआ, जैसा कि एक्स ने वाई पर सूट फाइल किया, ठीक है, और सूट जो है फाइनली डिसाइड हो गया। डिसाइड होने के बाद जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल होता है, जो डिफेंस लेता है, ठीक है, या फिर जो प्लेंटिफ जो क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ अपने क्लेम में सक्सेसफुल हो गया और डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में सूट डिसाइड हो गया। अब सूट जो डिसाइड हुआ है डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में, तो फिर जो सूट को लेकर जो भी खर्च हुआ है, कोर्ट का वक्त ज़ाया हुआ है, और जो भी पार्टियों का टाइम ज़ाया हुआ है, वक्त वेस्ट हुआ है, उस वक्त को देख कर और हर केस के सरकमटेंसेस कुछ अलग होते हैं, हर केस के सरकमटेंसेस देख कर उसका जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा कोर्ट जो है उन पर लगा सकती है। आइए देख लेते हैं हम सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 डील्स विथ कॉस्ट। आइए कॉस्ट देख लेते हैं। सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी कंडीशंस और लिमिटेशन दी गई है, जो भी हमारे पास बताई गई है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और जो भी लॉ बताए गए हों, जो भी कोई भी कानून हो, उसके मुताबिक द कॉस्ट ऑफ द ऑफ एंड इंसिडेंट्स टू आल सूट्स शल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जो भी कास्ट वगैरह होती है, आई बस समझ, जो भी कास्ट होती है, जो भी खर्चा वगैरह जो सूट में एक हमारे पास इनकर्स होते हैं, जो खर्चे वगैरह कास्ट, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। ये कोर्ट का क्या है? ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है कि कोर्ट कास्ट लगाए या फिर कास्ट ना लगाए। आदि बात है, कास्ट किसी पर लगा दे सकती है और किसी पर नहीं भी लगा सकती है। ये कोर्ट की क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जब बात आ जाती है ना, तो आप समझ लें कि यहाँ पर कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट चाहे तो कर सकती है, कोर्ट चाहे तो नहीं कर सकती। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर कोर्ट लगा सकती है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो कोर्ट नहीं लगाई। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, द कोर्ट शल हैव फुल पावर टू डिटरमाइन। आज बस समझो, अब कोर्ट को क्या है? कोर्ट जो है, कोर्ट को फुल पावर है किस चीज़ के मुतालिक? कास्ट वगैरह इम्पोज करने के लिए किसी भी पार्टी पर। अब यहाँ पर ये नहीं है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और कास्ट जो है वो डिफेंडर्स पर ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर सूट फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई पर फाइल किया, ठीक है, और वाई ने उसका अपना डिफेंस लिया, मिस डब्ल्यू एस फाइल की, आदि बस समझिए, और बाद में सूट जो डिसाइड हो जाता है वो किसके फेवर में हो जाता है? वो डिफेंडर्स की फेवर में डिसाइड होता है। अब डिफेंडर्स की फेवर में डिसाइड हुआ तो कास्ट प्लेंटिफ पर बन सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद चलते हैं, अब हमारे पास फुल पावर तो है, बाय होम आर आउट ऑफ दो एक चीज़ें आप देख लें, बाय होम किससे लेंगे या फिर किसकी तरफ होगा, ये आपकी कास्ट। नंबर टू पर ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा कास्ट। और नंबर थ्री पर आपने ध्यान में रखनी है, वो टू व्हाट एक्सटेंट, कौन सी हद तक होगा ये कास्ट जो है, कितनी होगी। एक चीज़ तो आपने जहन में रखनी है, कास्ट जो है रीज़नेबल, जस्ट एंड प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो क्लेम है, क्लेम से बढ़कर ही कोई कास्ट हमारे पास सूट में किसी पर इम्पोज कर दी जाए।
या फिर ऐसा हो जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है पिक्यूनरी उससे भी बढ़कर, फॉर एग्जांपल किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 50,000 रुपया, ठीक है, और क्लेम जो किया है वो क्लेम किया है 20,000 का, एक पार्टी ने क्लेम 20,000 किया है, तो उस 20,000 से बढ़कर कोई कास्ट नहीं लगा सकती कोर्ट। और अगर 50,000 की हमारे पास कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है और प्लेंटिफ ने क्लेम ही 50,000 किया है, तो फिर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बढ़कर कास्ट नहीं लगा सकती। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये बात आपने समझ ली, बाय होम किससे, ठीक है, आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से और व्हाट एक्सटेंट और कौन सी एक्सटेंट तक, यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, सच कास्ट आर टू बी पेड एंड टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पसेस अफोरसेड। और जो अफोरसेड मीन्स जो ऊपर जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उनको लेकर कोई भी ज़रूरी डायरेक्शंस कोर्ट दे सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन, द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट शल बी नो बार टू एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स। अब कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने के लिए, तो क्या वो कास्ट लगा सकती है? बिल्कुल कास्ट लगा सकती है, ये एक्सरसाइज कर सकती है। नंबर टू पे बात करते हैं, सबसेक्शन टू पर। सबसेक्शन टू क्या बात करता है? वेयर द कोर्ट डायरेक्ट दैट एनी कास्ट शल नॉट फॉलो द इवेंट द शल द कोर्ट शल स्टेट इट्स रिजल्ट्स इन राइटिंग। अगर कोई भी कोर्ट ये कह दे कि यह हमारे पास इवेंट्स जो हैं ये फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर अगर ऐसा कोर्ट करती है तो फिर वो कोर्ट को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। नंबर थ्री में बात करता है, सब सेक्शन थ्री में बात कर, द कोर्ट में गिव इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एट एनी रेट नॉट एक्सीडिंग 6% अनम एंड सच इंटरेस्ट शैल बी एडेड टू द कॉस्ट एंड शैल बी रिकवरेबल एज सच। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया, ठीक है, वो फाइनली डिसाइड हो गया ए की फेवर में आया, मीन्स ए क्या हो गया, ए हो गया डिक्री होल्डर। अब ए को 50,000 ए ने क्लेम किया था, आई बात समझ, 50,000 की तो डिक्री हुई मगर कोर्ट ने 50,000 के साथ ए के फेवर में ओ हमारे पास कितने 5,000 कास्ट भी लगा ली, और 5,000 कास्ट जो है वो 50,000 के साथ ऐड होगी, मीन्स 50,000 प्लस 5,000 कितने हो गए 55,000, और 55,000 जो पेमेंट है वो रिकवरेबल है, जैसा कि आपने दूसरे पैसे आपने जैसे कि रिकवर हम करा सकते हैं मनी, इसी तरह ही ये रिकवरेबल है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 35B। 35B बात करता है कंपनसेटरी। अब कंपनसेशन क्या होता है? वर्ल्ड कंपनसेशन से आपको पहले जब भी मैंने आपको कोई भी लेक्चर देता हूं तो आपको ये बताता हूं कि जब भी आप कोई मेरा लेक्चर देखें तो आपके पास बेयर एक्ट होना आपका ज़रूरी है, आपका बेयर एक्ट होना आपके पास ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन 35A। सेक्शन 35A, 35 क्या बात करता है? 35A कंपनसेटरी कॉस्ट, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स वेक्सेटियस क्लेम्स और डिफेंसेस। अब इसको सेक्शन को थोड़ा सा पहले इसकी बेयर रीडिंग कर लें, उसके बाद आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बेयर रीडिंग आप कर लें, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ।
आपने कर लिया इसकी बेरिडिंग। आइए देख लेते कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स वेगजेटियस, नंबर वन फॉल्स, नंबर टू वेगजेटियस, नंबर थ्री वेगजेटियस क्लेम्स आर डिफेंसेस। दो बातें हो जाती हैं, आई बात समझ में। फॉल्स और वेगजेटियस चाहे क्लेम्स, मीन्स क्लेम्स कौन करता है, क्लेम्स हमारे पास प्लेंटिव करता है, और डिफेंस कौन करता है, डिफेंस डिफेंडेंट्स करता है। ठीक है, यहाँ तक बात करती है करते हैं। अगर अपील में चला गया तो कौन करेगा, अपीलेंट करेगा, और अदर साइड में रिस्पोंडेंट होगा। अगर रिवीजन में चला जाते हैं तो क्लेम्स कौन करेगा, अब हमारे पास रिवीजन में भी कौन करेगा, हमारे पास अप्लीकेंट करेगा, और अदर साइड उसका रिस्पोंडेंट्स होगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। ये पहले मैं आपको समझा दूं, अगर कोई भी केस, कोई एक हमारे पास कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर अगर किसी किस्म का कोई झूठा केस बनाती है, तो फिर अगर जब वो उसका फाइनल कंक्लूजन आएगा और साबित हो जाएगा कि ये केस झूठा है, तो फिर उन पर एक जो भी कोर्ट का खर्चा होता है बिलावजह झूठी हमारे पास केस बनाने का, तो फिर वो उन पर खर्चा कोर्ट लगा सकती है। और अगर जो प्लेंटिफ अगर कोई सच्चा क्लेम करता है, सच्चा दावा करता है, और उसके अगेंस्ट में जो डिफेंडर्स है वो झूठा डिफेंस करता है, तो फिर वो डिफेंडर्स जब केस हमारे पास फाइनल आ जाता है और प्लेंटिफ की फेवर में आ जाता है, तो फिर साबित हो जाता है कि ये सच्चा केस है, तो फिर डिफेंडर्स जो है उन पर कास्ट भी लग सकती है कि आपने डिफेंस जो लिया वो झूठा लिया। और दूसरा वर्ल्ड है इसी तरह वेगजेटियस। वेगजेटियस मीन्स किसी को परेशान करना, तकलीफ़ दा, किसी को वैसे ही ऐसे ही किसी को तकलीफ देने के मकसद के लिए कोई सूट फाइल कर देना। आइए इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। इफ़ इन एनी सूट आर अदर प्रोसीडिंग, कोई भी सूट हो या फिर अदर प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नॉट बीइंग एन अपील, मगर अपील नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। अपील दूसरी चीज़ है, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि अपील इसमें क्यों नहीं आ रही। एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू क्लेम्स आर डिफेंसेस ऑन ग्राउंड दैट द क्लेम आर डिफेंस आर एनी पार्ट ऑफ इट इज एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर फॉल्स आर वेगजेटियस टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय होम इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड एंड इफ देयर आफ्टर एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर सच क्लेम आर डिफेंस इज डिसअलोड abandon or withdrawn in whole or in a part the court if objection has been taken at the earliest opportunity and if it is satisfied of the justice thereof may after recording its reasons for holding such claim or defense to be false or vexatious make an order for the payment to the objector by the party by whom such claim or defense has been पुट फॉरवर्ड ऑफ कॉस्ट बाय वे ऑफ कंपनसेशन। अब यही बात आ गई हमारे पास सबसेक्शन वन में। अगर कोई भी पार्टी केस फाइल करती है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए जो है केस फाइल करता है बी पर, कैसा फाइल करता है, फॉल्स झूठा केस फाइल करता है, और जो भी उसके बाद कंक्लूजन आएगी वो साबित हो जाएगा केस झूठा है, तो फिर ए पर क्या होगी, कास्ट कोर्ट लगा सकती है। जहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर कोई ए केस है उसमें ए जो है बी पर कोई वेगजेटियस क्लेम फाइल करता है और वो झूठा है, आई वो साबित हो जाता है कि वो वेगजेटियस था, तो फिर इन पर भी कास्ट लग सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए ने बी पर कोई क्लेम किया, ठीक है, और ए ने जो क्लेम किया था उनका डिफेंस जो बी ने लिया, वो डिफेंस जो था वो क्या था, फॉल्स था, ये साबित हो जाता है लास्ट में, तो फिर इन पर भी कास्ट लग सकती है। अगर ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया और बी ने जो डिफेंस लिया वो क्या था, वो वेगजेटियस था, ठीक है। अब सूट जो फाइनल डिसाइड होने के बाद साबित हो जाता है कि इसका डिफेंस वेगजेटियस था, तो फिर भी इस पर कास्ट लग सकती है। जहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आपने ये देख लेना है कि हमारे पास जो भी पार्टी है
उसको जो कंपनसेशन देना है वो हमारे पास बाय वे ऑफ पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में, बाय वे ऑफ पेनल्टी या फिर पनिशमेंट नहीं होगा। वो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट जो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल पार्टी है, अनसक्सेसफुल जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में आप वेगजेटियस ओ पेनल्टी या फिर एज इन शेप ऑफ पनिशमेंट आप कंपनसेशन नहीं दे सकते। आप कंपनसेशन जो रीजनेबल है वो कंपनसेशन आप इन शेप ऑफ कॉस्ट उस पर लगा सकते हैं। और जो हमारे पास पार्टी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल जो पार्टी है उनको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। आई बस समझ, ऐसा नहीं है कोई पार्टी हमारे पास अगर सक्सेसफुल हो रही है तो फिर उसको किसी किस्म का राबे गुना उसको फ़ायदा दे देना, कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हम नंबर, हमारे पास एक प्रोविजंस दिया गया है इसी के अंदर, सब सेक्शन टू के अंदर एक प्रोविजंस दिया गया है जिसे हम प्राविओ कहते हैं, प्राविओ, ठीक है। वो क्या है, दैट वेयर द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ सिमालकासेस अंडर द प्रोविंशियल सिमालकास कोर्ट्स एक्ट। मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि सिमालकास कोर्ट्स कौन सी होती हैं। सिमालकास कोर्ट्स वो जो हमारे पास छोटे मामलात को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 50,000 से कम कीमत के मामलात हैं वो सिमालकास कोर्ट्स में आ जाते हैं। मगर हमारे पास अब भी ऐसी सिमालकास कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, और सिमालकास कोर्ट्स हमारे पास नहीं है। जहाँ तक बात क्लियर है, ए नॉट बींग कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर दैट एक्ट। इसको तो आप थोड़ा आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल आसानी है। उसके बाद प्रोविजंस हमारे पास नंबर टू है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट में लिमिट द अमाउंट विच एनी कोर्ट आर क्लास ऑफ कोर्ट्स इज एम्पावर्ड टू अवार्ड एज कॉस्ट अंडर दिस सेक्शन। अब हमारे पास प्रोविजंस नंबर टू जो दिया गया है, सेकंड प्रोविजंस दिया गया है, उसके अंदर बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो अमाउंट डिटरमाइन कर सकती है कि कौन सी कोर्ट कितनी कॉस्ट लगा सकती है, वो हाई कोर्ट को पावर है। उसके बाद सबसेक्शन थ्री पर चलते हैं। सबसेक्शन थ्री कहता है, नो पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन शल बाय रीजन देयर ऑफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम और डिफेंस मेड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल कोई ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और ए जो है वो सक्सेसफुल हो गया और बी के अगेंस्ट में डिक्री पास हो गई और डिक्री के साथ उन पर कास्ट भी लग गई बी पर, ठीक है। अब बी पर कास्ट लग गई और बी पर कास्ट तो लग गई बी पर, डिक्री जो है ए के फेवर में आ गई, बी पर कास्ट लग गई। अब बी कहता है कि सर मुझ पे तो पहले ही कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी है और मैं जो है ये कास्ट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, या फिर मुझे माफ़ कर दी जाए, ऐसा नहीं है। ये इन पर अगर किसी को किस्म की कोई लायबिलिटी है तो फिर वो अलग चीज़ है, आपने ये कास्ट देनी है हर हाल में। आ रही बात समझ में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन पर कास्ट फाइल हो गई, ये डिक्री ए के फेवर में डिसाइड हो गई और इनके अगेंस्ट में कास्ट इन पर लगाई गई और इसके अगेंस्ट में पहले से ही अगर कोई ऑफेंस का हमारे पास केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है और इनको उनके अंदर पनिशमेंट दी गई है किसी फाइन वगैरह की, ठीक है, तो फिर वो फाइन अलग है, ये कास्ट अलग है। यहाँ तक बात क्लियर है, सिविल मैटर में कास्ट लगती है और क्रिमिनल लायबिलिटी में फ़ाइन लगती है, ये बात आप जहन में रखना। अब नंबर फोर की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिटियस क्लेम और डिफेंसेस शल बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी सब्सिक्वेंट सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और डिफेंस। अगर कोई भी कंपनसेशन अगर किसी को दी जाती है, किस पर कंपनसेशन लगा दी जाती है, आई बस कोई फॉल्स या
हमारे पास वैकेंसी क्लेम्स की क्लेम्स या फिर डिफेंस हो, फाल्स डिफेंस हो या फिर फाल्स हमारे पास क्लेम्स हो या फिर वैकेंसीज क्लेम्स हो या फिर वैकेंसीज डिफेंस हो, अगर उसके ऊपर कोई कास्ट लगा दी जाती है और कास्ट वो पे नहीं कर सकता, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर उसका कोई और मैटर है, मनी सूट है या फिर डैमेजेस क्लेम है, तो फिर उनके साथ वो मर्ज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे।